तो दोस्तों ये जो आप चीज़ इस गमले के अंदर देख रहे हो, ये चीज़ बहुत ही यूनिक सी है। इसको फाफड़ा बोलते हैं और इसकी खासियत ये है कि इसमें जो है इसका जो है साग भी बनता है, और बाद में जब इसमें बीज लगते हैं उसका आटा बनाया जाता है, यानी कि रोटी भी बनाई जाती साग है। तो सब्जियां हो गई, जड़ी बूटियां हो गई, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हिमाचल में बहुत उगती है, और उनमें से कुछ मेरे गमलों में भी आपको देखने को मिलेगी। इसको बोलते हैं बड़ियाड़ू, और हमारे खेतों में ये जंगली घास है जो उगती है, यहाँ गमले में भी उगी हुई है, पर इसको मैंने उखाड़ा नहीं है क्योंकि इसका साग बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इसका साग बनता है। इससे बनाते हैं हम लोग खैरू, जो कि एक पहाड़ी डिश है और लस्सी से तैयार की जाती है। तो कुछ लोग तो इसको लहसुन समझ रहे होंगे, पर ये लहसुन बिल्कुल नहीं है, इसको बोलते हैं दूनू। ये एक जंगली लहसुन है और इसका जो फ्लेवर है बिल्कुल लहसुन की तरह ही होता है। तो जहाँ ही मेरे को स्पेस मिल जाता है मैं वहीं पर इन प्राकृतिक सब्जियों को उगाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर भी कुछ उगा हुआ है दोनों, और इसके बीच में धनिया लगाया हुआ है, और इसको जो आप देख पा रहे हैं ये लेमन ग्रास है जिसकी चाय बनती है, चाय का मसाला भी बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में, और वैसे इसको लेमन ग्रास बोलते हैं। और यहाँ पर है मूली, तो इन मूलियों को लगाने का मकसद ये था कि इसके ऊपर जो मुंगरे लगते हैं उसकी सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर है खास मसाला जिसको बोलते हैं ऑर्गेनो, जो कि पिज़्ज़ा के ऊपर जो पाउडर फॉर्म में आता है, मतलब क्रस्ट फॉर्म में आता है मसाला, तो ये वही है। और ये तुलसी का पौधा है तो इसमें सिमिलरिटी लगती है इनके पत्तों में, जो तुलसी का पत्ता और ऑरिगेनो का पत्ता है एक जैसा ही देखने को लगता है, पर इसका टेस्ट अलग अलग है। तो इसको भी यहाँ पर गमले में मैंने उगाया हुआ है, बहुत बढ़िया से उगा हुआ है। तो फिर से यहाँ पे फाफड़ा उगाया है टायर के अंदर। इसको जो है यहाँ के लोकेलिटी में लोग नहीं जानते हैं क्योंकि ये यहाँ पर नहीं मिलता है, इसका जो बीज है वो किन्नौर से लाया हुआ है, तो किन्नौर के लोग इसको अच्छे से पहचानते होंगे। और ये कसूरी मेथी, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पौधा लगा हुआ है, और कुछ लोग ना कसूरी मेथी और जो सिंपल वाली मेथी है उसी को बोलते हैं कि इसके पत्तों को सुखा कर कसूरी मेथी बनती है, पर ये असली कसूरी मेथी का पौधा है क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज गंध वाली होती है। तो इसको तो आप पहचानते होंगे, ये पालक है और कई बार मैं निकाल चुकी हूँ, और इसके बीच में आप देख पा रहे होंगे ये है करी लीव्स का छोटा सा पौधा जिसको इन्होंने ढक लिया है। तो इसको मैं साग को हार्वेस्ट करूँगी और इस पौधे को बिल्कुल बढ़िया से बाहर निकाल दूँगी क्योंकि इसके अंदर ये मर रहा है। तो इसको हार्वेस्ट करूँगी क्योंकि इसकी सब्जी हो गई है, और ये जो पालक है ये बार बार उग जाता है और इसको मैं बार बार तोड़ती रहती हूँ, तो दो आदमियों के लिए इसकी सब्जी जो है बढ़िया से बन जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ पहाड़ी साग सब्जियाँ जिनको गमले में भी उगा सकते हैं, खेतों में भी उगा सकते हैं, और अपने घर की साग सब्जियाँ उसका तो बात ही कुछ और है, एकदम ऑर्गेनिक होती है। तो आप लोगों के कौन कौन से लोकल साग सब्जियाँ हैं आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर।